नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं मीन राशि के संपूर्ण जीवन का रहस्य खोल देगा हमारा ये एक वीडियो। अगर आप मीन राशि के संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, मीन राशि के जातक बहुत मित्रवत होते हैं, इसलिए अक्सर वे खुद को बहुत अलग लोगों की संगत में पाते हैं। मीन राशि के जातक निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमेशा वापस कुछ भी पाने के लिए उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। मीन राशि एक जल राशि है और इस राशि की विशेषता समानुभूति और व्यक्त की गई भावनात्मक क्षमता है। उनका स्वामी ग्रह गुरु है, इसलिए मीन दूसरों की तुलना में अधिक सहज और एकलात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं। गुरु ग्रह संगीत से जुड़ा है, इसलिए मीन राशि के जातकों के जीवन की शुरुआत संगीत से होती है। ये संगीत को प्राथमिकता देते हैं। वे उदार, दयालु और बेहद वफादार और परवाह करने वाले होते हैं। मीन राशि के अंतर्गत जन्मे लोगों में जीवन चक्र की एक सहज ज्ञान युक्त समझ होती है और इस तरह अन्य प्राणियों के साथ सबसे बेहतर भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। मीन राशि में जन्मे लोगों को उनके ज्ञान से जाना जाता है, लेकिन यूरेनस के प्रभाव में ध्यान आकर्षित करने के लिए मीन राशि के जातक कभी कभी एक शहीद की भूमिका भी निभाते हैं। मीन राशि के जातक कभी भी जज्बाती नहीं होते और हमेशा क्षमाशील होते हैं। उन्हें सभी राशियों में से सबसे सहिष्णु भी माना जाता है। मीन राशि के जातकों का प्यार और सेक्स। अपने दिल की गहराई में मीन राशि में जन्मे लोग असुधार्य रोमांटिक होते हैं। वे बहुत वफादार, कोमल और अपने साथियों के प्रति बिना शर्त के उदार भाव रखते हैं। मीन राशि के जातक भावुक प्रेमी होते हैं, जिन्हें अपने साथियों के साथ एक वास्तविक संबंध को महसूस करने की जरूरत होती है। लघु अवधि के रिश्ते और रोमांच के इस राशि के लिए अजीब नहीं होते। प्यार और रिश्ते में वे आँख बंद करके वफादार होते हैं और बहुत परवाह करने वाले होते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मित्र एवं परिवार। कोमल और देखभाल करने वाला मीन राशि का जातक सबसे अच्छा मौजूदा मित्र होता है। वास्तव में वे अक्सर अपनी जरूरतों के सामने अपने मित्रों की जरूरतों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे वफादार, समर्पित, दयालु होते हैं और जब भी परिवार में या मित्रों के बीच कुछ समस्या होती है, वे इसे हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ गलत है तो गहन रूप से सहज ज्ञान से युक्त तो मीन राशि के जातक इसके होने से पहले ही अपनी समझ से हर परेशानी को सुलझा लेते हैं। मीन राशि अर्थपूर्ण होते हैं और वे अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करते। वे ठीक अपनी तरह ही दूसरों से खुला विचार प्राप्त करना चाहते हैं। प्रियजनों के साथ संवाद उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन राशि के जातकों के लिए कैरियर और पैसा। सहज और अक्सर काल्पनिक मीन राशि के जातक एक ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर महसूस करते हैं जहाँ उनके रचनात्मक कौशल आगे आएंगे और यह दान के लिए हो तो और भी बेहतर है। मीन राशि के जातक के पसंदीदा व्यवसाय हैं वकील, वास्तुकार, पशु चिकित्सक, संगीतकार, सामाजिक कार्यकर्ता और गेम डिजाइनर। दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने की जोर से प्रेरित होकर वे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही उनका मतलब सीमाओं से परे जाना है। यह राशि दयालु, परिश्रमी, समर्पित और विश्वसनीय है। मीन राशि में जन्मे समस्याओं को सुलझाने में महान होते हैं। अधिकांश समय मीन राशि के जातक पैसे पर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। वे आमतौर पर अपने सपने और लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र में मीन राशि के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ वे बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, दूसरी तरफ वे काफ़ी कंजूस भी बन जाते हैं। फिर भी अंत में एक सामान्य जीवन के लिए पर्याप्त पैसा इनके पास होता है। मीन राशि के पुरुषों को कैसे आकर्षित करें। रोमांस मीन राशि के पुरुषों की दुनिया पर राज करता है। ज्योतिष शास्त्र की मीन राशि के अंतर्गत जन्मा पुरुष खुश रहने और प्यार करने के लिए जीता है। एक मीन राशि के पुरुष को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका उसे पूरी तरह से खोल देना है। मीन राशि के पुरुष के सबसे अच्छे गुणों में उसकी संवेदनशीलता, करुणा और दया है। वह एक सज्जन व्यक्ति है जो पता लगने पर कि आप क्या चाहती हैं हर संभव प्रयास करके आपकी सेवा में वो सब कुछ प्रस्तुत करते हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके देखते हैं और वास्तव में आप क्या चाहती हैं लगभग आपसे पहले जान लेते हैं। दूसरों को खुश करने की उनकी प्रवृत्ति
हेरफेर और झूठ के लिए उसने ग्रहणीय बना देती है। आपको खुश करने के लिए वे अपनी अद्भुत कल्पना का प्रयोग करेंगे। मीन राशि के पुरुष हंसना पसंद करते हैं। अगर वह आपको मजाकिया और आसपास रहने में आसान प्राप्त अगर वह आपको मजाकिया और आसपास रहने में आसान पाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित करने के लिए एक अच्छे रास्ते पर हैं। वह बाहर से शांत लगते हैं लेकिन अंदर से आपको एक अलग व्यक्तित्व मिलेगा उनका, जैसा कि मीन पुरुष मजबूत भावनाओं के बीच लड़ता हुआ मिल जाएगा। खुलने और उन भावनाओं को मुक्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है। अगर आप एक मीन राशि के पुरुष से डेटिंग कर रही हैं तो आप एक भावनात्मक रूप से पूर्ण संबंध के लिए तत्पर हो सकती हैं। मीन राशि की महिलाओं को कैसे आकर्षित करें। मीन राशि की महिलाओं को उदार, कल्पनाशील, दयालु, निस्वार्थ और बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अगर आप मीन राशि में जन्मी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको रोमांटिक होने और हास्य की अच्छी समझ रखने की जरूरत है। एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी है। मीन राशि का व्यक्तित्व तो दयालु और बिना शर्त प्यार से भरा हुआ है। एक बार आपने उनका ध्यान आकृष्ट कर लिया तो वह जल्दी ही आपके लिए खुल जाएंगी। मीन राशि की महिला के साथ सेक्स धमाकेदार होगा और आप बिस्तर में उनके साथ कभी भी ऊब नहीं पाएंगे। मीन राशि में पैदा हुई महिला आध्यात्मिक और अलौकिक बातों के बारे में जीवन चर्चा का आनंद लेती है। वह सहज ज्ञान से युक्त है और जल्दी पता लगा लेगी कि आप सिर्फ सेक्स की इच्छा रखते हैं। वह सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहती है और आप पहली कुछ डेट के दौरान पूरी तरह से उन्हें आकर्षित कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आप ईमानदार हैं और आप उनके लिए खुले हैं तो वह तुरंत आपके साथ और अधिक जुड़ना महसूस करेंगी। मीन राशि की महिला स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील होती हैं तो वह जल्दी से माफ़ करने और भूलने वाली नहीं होती। अगर उनका दिल अतीत में घायल कर दिया गया हो तो एक नए रोमांटिक संबंध के बारे में खुलने की सोचना भी उनके लिए कठिन कार्य होता है। मीन राशि के लिए विचार योग्य संगत राशि है वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।